Hello students, how are you? I hope you all are fine. आज हम आप लोगों को हिंदी सेकेंड पढ़ाने वाले हैं. सो टेक आउट योर हिंदी सेकेंड कॉपी एंड फर्स्ट हम यहाँ पे डेटा लेंगे क्लास वर्क एंड हिंदी सेकेंड. हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा सब्जेक्ट है हिंदी सेकेंड. तो हिंदी सेकेंड में आज हम लोग क्या करने वाले हैं? क से ज्ञात बड़ी की मात्रा लगाकर लिखना है. आप सभी को क से ज्ञातक लिखना आता ही है, तो मैंने यहाँ क से ज्ञातक लिख लिया है. अब हम यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे. लास्ट क्लास में मैंने छोटी ई की मात्रा कराई थी और आज हम आपको बड़ी ई की मात्रा बता रहे हैं, ठीक है? सो अब आप लोग देखिए, क में बड़ी ई की मात्रा लगाया की, क में बड़ी ई की मात्रा लगाया खी, गी, घी. पहले मैंने बताया है आप लोगों को कि अंगा में कोई मात्रा नहीं लगेगी, अणा में भी कोई मात्रा नहीं लगती है, सॉरी इया में भी कोई मात्रा नहीं लगेगी. अंगा, इया एंड अणा में कोई भी मात्रा नहीं लगती है. उसके आगे च में ची, ची, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही, ची, त्री, गी. इस तरह से हम का से ज्ञातक बड़ी की मात्रा लगा के कंप्लीट कर लेंगे और आप सभी इसको जो है अपनी हिंदी सेकेंड की कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और वन टाइम और इसको रिपीट कर लीजिएगा, जिससे आपको ये अच्छे से आ सके, आपको बड़ी की मात्रा का लगाना आ जाए, ठीक है? इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू चिल्ड्रन.